भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कल अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीटों की भाजपा प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से यह रोड शो शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें अमित शाह रथ पर सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। इस रथ में अजमेर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी अनीता भदेल और उत्तर से भाजपा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। इस रोड शो के दौरान करीब 40 स्थान पर पार्टी की ओर से अमित शाह का स्वागत कार्यक्रम रखा गया और करीब 1 से 1.25 घंटे में यह रोड शो गांधी भवन पहुंचा, जहां पर उन्होंने राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के साथ ही ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे राजस्थान की सरकार हल नहीं कर पाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा विकल्प है जो अब डबल इंजन की सरकार चलाकर देश और राज्य को प्रगति की क्षेत्र में आगे ला सकता है।